हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, होमगार्ड ड्राइवर का। तो आज हम पूरा पेपर देख लेंगे, 29 दिसंबर का 2019 का एग्जाम रिव्यू। आपका भी एग्जाम होगा तो हमें कमेंट में क्वेश्चन शेयर करिएगा, नहीं तो हमें जो है ना मेल कर सकते हो। हमारा मेल आई डी है, देखिए फ्रेंड्स, 8638 7648 7648 55 dot nnn@gmail.com, ठीक है। आपको इसमें क्वेश्चंस शेयर कर देने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आज का जो होमगार्ड ड्राइवर का एग्जाम हुआ है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करता हूं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस याद है तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, वीडियो का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, संप्रति सैन्याभ्यास। देखिए फ्रेंड्स, संप्रति सैन्याभ्यास 2019 क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक जो है ना सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कजिंद 2019 क्या है? तो फ्रेंड्स, कजिंद भारत और कजाकिस्तान का एक सैन्य अभ्यास है जो कि देखिए फ्रेंड्स, दो सैन्य अभ्यास से आया था, सैन्य अभ्यासों से आया था, दो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान अजलान शाह हॉकी 2019 कप किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, मैंने बता दिया था आपको, दक्षिण कोरिया ने जीता था, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, बिहारी कॉन्स्टेबल के भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इतना तो गारंटी दे सकता हूँ। ये सब क्वेश्चन तो आप इसको रट सकते हो। बराक 8 मिसाइल किस देश का है? तो बराक 8 जो मिसाइल जो है ना, ये इजराइल देश का है। किसका? इजराइल देश का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर में क्या होता है फ्रेंड? तो रुधिर में हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे गहरा मृत सागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भूमध्य सागर, जिसको हम डेड सी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2014 ईस्वी में प्रारंभ। वन अनुसंधान संगठन, ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई क्वेश्चन पूछा गया, वन अनुसंधान संगठन जो देहरादून में है, पूछा गया कहां पर है? तो ये देहरादून में है। कहां पर है? देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स? तो टोडा जनजाति आपकी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को, ठीक है, यही देश देता है। अभी देखिए, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार जो है ना, रवीश कुमार को मिला है। किसको मिला है? रवीश कुमार को। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। और रवीश कुमार कौन है फ्रेंड्स? तो ये एक पत्रकार है जो एक एनडीटीवी न्यूज में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल्य भारत अभियान किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो अतुल्य भारत अभियान जो है ना, पर्यटन विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राफेल क्या है? तो अत्याधुनिक लड़ाकू विमान जो कि फ्रांस से खरीदा गया था, ठीक है ना, एक लड़ाकू विमान है जो कि फ्रांस से भारत लाया जाएगा और ये खरीदा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के भी नाम से प्रचलित हैं, आपको बता दूं, चाणक्य के भी नाम से इनको जाना जाता है। हिंद स्वराज के लेखक, देखिए फ्रेंड्स, ये बिहार के ऐसा एग्जाम में पूछा जाने वाला बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि इसमें भी पूछा जा चुका है, महात्मा गांधी, जो कि अभी देखिए कांस्टेबल का एग्जाम में उसमें भी पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है, तो इसको पढ़ लीजिए आप। चावल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो चावल में प्रचुर मात्रा में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन जो है ना, शेरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? शेरी कल्चर कहलाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्राचीन भारत का निष्क क्या होता है फ्रेंड्स? तो मुद्रा, जो हमारे जो होते हैं सोना चांदी, जो मुद्रा होते हैं सोना चांदी, ये सब हमारे निष्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया था? खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा हमारा क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग NaHCO3 भी कहते हैं, ठीक है। SO2 किससे सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है फ्रेंड्स? तो SO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कोयला जलाने पर, ठीक है, कोयला जलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 का कितना प्रतिशत है? तो मैं बता दूं, ये कितना प्रतिशत, जो कितना लिखा हुआ है उसको x पकड़ लो, ठीक है, 0.5 को इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 0.25, ठीक है, एक पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। आपको बता दूं, 5 से ये 25 कट गया 5 बार में, और ये जो जीरो है दोनों जो है ना डेसिमल से कट जाएंगे, ठीक है। अभी जो बात होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 यहाँ पे 0 कट गया ना, तो 5 बचेगा, तो 10 में से ये 10 को 5 से गुणा करने पर 50 आ जाएगा, तो 50% हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 272 और 148 का HCF निकालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय 2 वर्ष दे रखा था, दर 10% दे रखी थी, ब्याज 210% और जो है ना प्रिंसिपल निकालना था, तो प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, ब्याज गुणा 100 डिवाइड बाई R into T, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? तो विद्युत धारा SI मात्रक होता है एम्पियर। तो फ्रेंड्स, आपको भी जो भी क्वेश्चन याद है,
हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये क्वेश्चन आपका पीडीएफ, आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, पीडीएफ आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जहाँ तहाँ शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए भाई लोग, मैं मुझे आपके शेयर का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।